हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विदान किचन। अगर आप सभी को मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल विदान किचन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना। फ्रेंड्स, होली का फेस्टिवल नजदीक है और सबके घरों में गुजिया बनती है, जो कि हर साल एक पारंपरिक रेसिपी है और काफी मजेदार भी होता है। हर साल गुजिया बनाने का तरीका भी अलग अलग होता है, तो मैं आज आपको इस रेसिपी में चार तरीके से गुजिया बनाना बताऊंगी। तो गुजिया को ज्यादातर जो है वो मावे से बनाया जाता है और यही एक ट्रेडिशनल रेसिपी है, जो कि मावे का यूज करके एक स्वीट रेसिपी बनाई जाती है और इसे लोग कई तरह से बनाते हैं और इसे लोग कई नाम से भी जानते हैं। तो कहीं पर इसे करंजी कहते हैं, कहीं पर गुजिया कहते हैं और शायद आप लोगों को नहीं पता होगा कि इसे कहीं पर कुसली भी कहते हैं। तो अगर आपको मालूम है कि कुसली इसे कहाँ कहते हैं और किस जगह में ये नाम बोला जाता है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, गुजिया बनाने का सबसे पहला प्रोसेस है मावा को भूनना, उसे अच्छे तरीके से रोस्ट करना। तो इसके लिए मैंने पैन चढ़ा दिया है और पैन गर्म हो गया है, तो ये 250 ग्राम मावा है। तो इस मावे को मैं इस पैन में डाल दूंगी और इसे अच्छे तरीके से रोस्ट करेंगे हम, जब तक कि मावा घी रिलीज नहीं कर देता और कलर में थोड़ा ब्राउन नहीं हो जाता। तो इस तरीके से मैश करते हुए हम मावा को रोस्ट करेंगे। लो फ्लेम पे हमें ये काम करना है ताकि मावा गले ना, नहीं इसका टेस्ट जो है वो खराब हो जाएगा। मावा को हमें लो फ्लेम पे रोस्ट करना है जब तक कि ये हल्के ब्राउन नहीं हो जाते। फ्रेंड्स, यहाँ पर मावा जो है रोस्ट हो गया है, बिल्कुल ऐसा ही कलर हमें चाहिए था और ये दानेदार हो गया है। तो अब इसी स्टेज पे मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इस मावे को मैं निकाल लूंगी और ये ठंडा होगा। थोड़ा सा घी इस तरीके से करके हम पैन में ही रहने देंगे और मावे को हम निकाल लेंगे। ये जो घी है और पैन हमारा गरम है, तो इसी पैन में मैं थोड़ा सा चिरौंजी और बारीक कटा हुआ बादाम, आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप वो ऐड कर सकते हैं। इसे हम रोस्ट कर लेंगे, पैन गरम है तो ये अच्छे तरीके से रोस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे चिरौंजी और बादाम अच्छे से रोस्ट हो गया है, तो मैं इसे भी इस मावा के ऊपर डाल देती हूँ, क्योंकि हमें एंड में तो सारी चीजें मिक्स करनी है और ये भी जो है ठंडे होंगे। जब तक ये ठंडे होंगे तो हम रवा को रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे रवा जो है वो मोटा वाला नहीं है, थोड़ा सा जो बारीक वाला आता है वो रवा मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो मोटा वाला रवा भी यूज कर सकते हैं। तो इन्हें भी हम कलर चेंज होने तक रोस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, रवा का कलर चेंज हो गया है और अब मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और इसे भी हम ठंडा होने के लिए प्लेट में निकाल लेते हैं। जब सारे इंग्रेडिएंट ठंडे हो जाएंगे तभी हम इन्हें मिक्स करेंगे। जब तक ये ठंडे हो रहे हैं हम गुजिया के लिए डो रेडी कर लेते हैं। गुजिया का डो रेडी करने के लिए हमें बॉल लेंगे और इसमें मैं एक कटोरे के लगभग मैदा ऐड कर रही हूँ। आपको जितना क्वांटिटी चाहिए आप उसका अंदाज करके ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक कटोरे के लगभग मैदा ऐड कर रही हूँ और अब मैं इसमें ऐड करूंगी ऑयल। आप रिफाइंड ऑयल का यूज करें, नॉन फ्लेवर ऑयल, और या फिर आप घी का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कम से कम आधी कटोरी के लगभग मैं ऑयल का यूज कर रही हूँ और इसे अच्छे तरीके से हमें मिक्स करना है। अगर आपको कोई फ्लेवर पसंद हो लाइक कलौंजी तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छे तरीके से हमें मोयन को मिक्स करना है ताकि इसका जो क्रम्बल टेक्सचर हो जाए उससे काफी खस्ता बनता है।
तो मोयन अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और ये बाइंड होने पे अच्छी तरह से बाइंड हो रहा है, तो मोयन परफेक्ट है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका डो रेडी करेंगे। डो गीला नहीं होना चाहिए, थोड़ा टाइट डो रेडी करेंगे जैसे कि समोसे का होता है। तो गुजिया का डो रेडी हो गया है, तो अब मैं इसे ढक करके 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देती हूँ। जब तक डो रेस्ट करेगा, हम जो मसाला रेडी किए हैं स्टफिंग, उसे हम मिक्स करते हैं। मावा ठंडा हो गया है तो हम इसे एक बड़े से बर्तन में निकाल लेते हैं। इसे हमें ठंडा होने पर ही अच्छे से मिक्स करना है, वरना चीनी जो है वो पिघल जाएगी। इसे इस तरीके से हम तोड़ देंगे। कितना बढ़िया दानेदार टेक्सचर है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी गुजिया हमारी बनेगी। और फ्रेंड्स, मैंने एक यूनिक स्टफिंग की गुजिया बनाई हुई है, तो आप मेरे चैनल पे विजिट कीजिए और उस स्टफिंग को जरूर देखिए, बहुत ही बेहतरीन है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे सूजी, रवा और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम। यहाँ पर मैंने चीनी पाउडर लिया है और साथ ही मैंने 4-5 इलायची को इसमें डाल के ग्राइंड कर लिया है साथ में। तो इलायची पाउडर और पीसी हुई चीनी, इसे हम ऐड करेंगे। जितना भी आपको मीठा पसंद हो उसके अकॉर्डिंग आप मिक्स कीजिएगा, लेकिन ये प्रोसेस आपको ठंडा होने के बाद ही करना होगा, वरना चीनी मेल्ट हो जाएगी और आपकी स्टफिंग खराब हो जाएगी। तो स्टफिंग ड्राई होनी चाहिए, इसे हमें मिक्स करना है धीरे धीरे। तो यहाँ पे एक कटोरी के लगभग चीनी मैंने ऐड कर दिया है। गुजिया की स्टफिंग रेडी है, तो इसे हम साइड में रखते हैं और अब हम बनाते हैं अपनी गुजिया। तो मैंने बताया था कि मैं 4 तरीके से आपको बताऊंगी, तो डो बिल्कुल परफेक्ट हो गया है देखिए। और इससे हम एक छोटी सी लोई लेंगे, मीडियम साइज की लोई हमें लेनी है, जैसे कि आप चपाती बनाते हैं। इसका एक चपाती बनाएंगे, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं और बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं। डो हमारा परफेक्ट रेडी था, तो हमें ऑयल या फिर आटे की जरूरत नहीं है। तो इसकी थिकनेस कुछ इतनी होनी चाहिए। अब हम इस गुजिया को बनाने के लिए इस कटर का यूज करेंगे। ये पीछे एक कटर होता है और आगे स्पून होता है, तो इस स्पून से मैं 2 स्पून भर करके स्टफिंग डाल देती हूँ। स्टफिंग अच्छे से भरना है, तभी गुजिया अच्छी लगेगी खाने में भी और देखने में भी, फूली फूली गुजिया। इसके चारों तरफ हम पानी लगा देते हैं ताकि ये अच्छे से सील हो जाए और फ्राई करते समय खुले ना। और इसे हम इस तरीके से बंद कर देंगे सारे कोनों को मिलाते हुए, और फिंगर की हेल्प से हम इसे प्रेस कर देंगे। अब इस कटर की हेल्प से हम इसे काट देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये गुजिया हमारी परफेक्ट रेडी है। और आपको अगर ये तरीका अच्छा लगे तो आप इसी तरह से गुजिया बनाइएगा। और अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ।
इस तरह से हमें एक चपाती बनानी है और इसमें भी हम स्टफिंग भरेंगे इस तरीके से। स्टफिंग हमें बीचों बीच भरना है। और इसके किनारों पर हमें पानी लगाना है ताकि अच्छे से गुजिए को सीड हो सके। अब इसका एक सिरा उठा करके दूसरे सिरे से जोड़ देना है और फिंगर की हेल्प से इसे दबा देना है। अब इसे हम इस तरीके से हाथों में लेंगे और इसका ये कोना पकड़कर इसे अंदर की तरफ दबाएंगे। इस तरीके से आपको फोल्ड करना है, फिर दूसरा सिरा पकड़ना है, फिर तीसरा। इस तरीके से आपको इसे मोड़ते हुए जाना है अंदर की तरफ और इसे एक गुजिया का शेप मिल जाएगा और एक डिजाइन भी तैयार हो जाएगी। थोड़ी थोड़ी दूरी पे करें ताकि सुंदर ज्यादा दिखे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितना खूबसूरत दिख रहा है। और अगर आपको ये तरीका पसंद आए तो आप इसी तरीके से बनाइए। तीसरे तरीके में एक चपाती आपको इस तरह से बनानी है और किसी भी कटोरी की हेल्प से आप इस तरीके से रखिए और इसे अच्छे से प्रेस कर दीजिए और एक्स्ट्रा आप निकाल दीजिए। तो ये हमारी चपाती तैयार है गोल शेप की। अब इसमें हम स्टफिंग भरेंगे एक चम्मच। इसके किनारों पर हम पानी लगाएंगे। फ्रेंड्स, पानी लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर आप पानी लगा के सील नहीं करेंगे तो ये फ्राई करते समय खुल जाएंगे और ऑयल भी खराब हो जाएगा। अब इसका एक सिरा पकड़ के दूसरे सिरे से हम जोड़ देंगे और फिंगर की हेल्प से इसे दबा देंगे। अब मैं यहाँ पे एक फोक लूंगी और इस फोक की हेल्प से इसे मैं एक डिजाइन दे दूंगी। इस तरीके से दबाते हुए इसे सील कर देना है। और इससे पलट करके इसकी दूसरी साइड भी हम इसे सील कर लेंगे ताकि ये खुले ना। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा तीसरे तरीके से बनी गुजिया। फोर्थ जो तरीका है वो काफी इजी है। एक आपको चपाती बनानी है और इस तरह से आपको सांचा लेना है और ये इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। और इस चपाती को हम सांचे के ऊपर रखेंगे, इसके बीचों बीच रखेंगे हम। थोड़ा बड़ी चपाती आपको बनानी है और इसके बीच में हम स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग थोड़ा अच्छे से भरना, साइड में पानी लगाएंगे। और इसे हम इस तरीके से अच्छे से प्रेस कर देंगे अच्छे से दबाते हुए। और जो ये एक्स्ट्रा है इसे हम निकाल देंगे।
आराम से खोलेंगे और इसे हम बाहर निकालेंगे। आराम से बाहर निकालेंगे ताकि ये टूटे ना। और आप चाहें तो इस सांचे पे आटा लगा सकते हैं ताकि ये इजीली बाहर आ जाए। तो ये देखिए, ये परफेक्ट रेडी हुआ है। तो अगर आपको ये तरीका सरल लगता हो, क्योंकि मुझे तो काफी सरल लगता है, तो अब मैं सारी गुजिया रेडी कर लेती हूँ, फिर हम फ्राई करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारी गुजिया बना ली है। तो ये सांचे से बना है और ये जो मैंने आपको चार तरीके से बताया था गुजिया बनाना, तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पे ऑयल ऑलरेडी मैंने चढ़ा दिया है और ये अब थोड़ा गर्म हो गया है। हमें बहुत ज्यादा गर्म ऑयल नहीं चाहिए, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि आप समोसे फ्राई करते हैं। तो ये जो सारी गुजिया जो बनी हुई है, मैं इसमें डाल देती हूँ। अगर आप ज्यादा गर्म ऑयल में गुजिया को डालेंगे तो वो क्या होगा कि उसमें बबल्स आ जाएंगे और वो बाहर से तो जल जाएगा मगर वो अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत ही गुनगुने ऑयल में गुजिया को फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैं सारी गुजिया ऐड कर देती हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ऑयल में जो है बबल्स आ गए हैं और ये अच्छे तरीके से फ्राई होके ऊपर की तरफ आ रहे हैं। तो जब ये सारी गुजिया ऊपर की तरफ आ जाएंगे तो मैं इन्हें फ्लिप कर दूंगी। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि ये फ्राई होकर ऊपर की तरफ आ गए हैं, तो अब हम इन्हें धीरे धीरे करके पलट देंगे। एक एक करके आराम से इन्हें फ्लिप करना है। तो यहाँ पर गुजिया सारी फ्राई हो गई हैं और एक जो है फट भी गया। तो ये कॉमन है फ्रेंड्स, ऐसा हो जाता है। तो अगर ऐसा हो जाए तो आप ऑयल को ड्रेन करके यूज कर लीजिएगा। तो मैं निकाल लेती हूँ यहाँ पे सारी गुजिया और जैसा कलर हमें चाहिए था वैसा परफेक्ट कलर आया है। लीजिए फ्रेंड्स, हमारी टेस्टी डिलीशियस गुजिया रेडी है। आप भी इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करें और टेस्टी गुजिया रेसिपी बनाएं और अपनी होली को खुशनुमा बनाएं, एंजॉय करें, फैमिली के साथ रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और हाँ, चैनल विदान किचन इंदौर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली न्यू रेसिपी की वीडियो आप तक पहुंचे। तो फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।